हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडिशनल मैथमेटिक्स सस्टेनिंग। मैंने पार्ट थ्री जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास के जो शॉर्ट ट्रिक की अपलोड कर दिए हैं और आज हम पार्ट फोर बना रहे हैं। ठीक है, देखिए आज रेसिप्रोकल पढ़ेंगे। फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/2 कोसेक थीटा। अब यहाँ से हमें साइन थीटा इक्वल टू 1/2 कोसेक थीटा हुआ है। अब कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2 साइन थीटा। जैसे कोसेक का साइन के साथ कॉम्बिनेशन है वैसे कोस का सेक के साथ है, कोस थीटा इक्वल टू 1/2 सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/2 कोस थीटा। ठीक, साइन कोट ऐसे टेन का है, कोट के साथ कॉम्बिनेशन टेन थीटा इक्वल टू 1/2 कोट थीटा, कोट थीटा इक्वल टू 1/2 टेन थीटा। और इनका कॉम्बिनेशन साइन और कोस होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, जो ट्राइंगल है ऐसा हमारे इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो आज सब कुछ क्लियर करना है, ए बी सी। ठीक है, कि हमने एंगल थीटा ऐड कर लिया है, जस्ट इसके सामने वाली जो होता है हमारी साइड होती है, ये क्या होगा हमारे परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। ये आप इससे कर्ण बन सकते हैं, केस ओवर हो गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका बेस डी आधार, ये हो सकते हो आप, और ये जो हमारा होगा लंब होगा, ये यहाँ पर एल शो कर सकते हैं, एल से यहाँ पर लंब होगा। ठीक, और इंडिविजुअल हमारे जो है लाल बटेक का ध्यान रखना, लाल बटेक का, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ये रखना ए ठीक है। तो यहाँ पर ये साइन का फॉर्मूला होता है, ये कोस का होता है, यहाँ पर होता है टेन का, देखिए हम कैसे बनाते हैं फॉर्मूला। साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा पी अपॉन एच, कोस थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल टू होता है हमारा पी अपॉन बी। जैसे जैसे मैंने बताया था रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल जो होता है कोसाइन थीटा, अगर हम कोसाइन थीटा जब यहाँ से फाइंड करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपसे एच अपॉन पी। जैसे यहाँ पर सेक थीटा होगा ये हो जाएगा एच अपॉन बी, और इसके रेसिप्रोकल कोट थीटा का क्या हो जाएगा बेस अपॉन पी परपेंडिकुलर। रेसिप्रोकल फॉर्मूले जो कंप्लीट हो गए हैं, अब हम पढ़ेंगे साइन सी प्लस डी वाले फॉर्मूले होते हैं हमारे, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला देख लीजिए, साइन सी प्लस साइन डी, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन टू। उसके बाद देखते हैं साइन सी माइनस साइन डी, तो इसमें रेसिप्रोकल ये क्या होता है रिप्लेस हो जाता है, आप देखो टू साइन क्या जाएगा हमारा कोस सी प्लस डी अपॉन टू, कोस की जगह क्या जाएगा साइन सी माइनस डी अपॉन टू। जब यहाँ पर ये साइन सी प्लस साइन डी है दोनों एंगल सेम है, पर प्लस की जगह आया पर माइनस है, और यहाँ पर ये भी सेम लेंगे हमारे दो एंगल लेंगे। ठीक है, तो ये साइन जो ट्रिग्नोमेट्री साइन है ये चेंज हो जाएंगे हमारे साइन कोस कोस का साइन। अब देखो कोस सी प्लस कोस डी का देखिए फॉर्मूला जो होता है हमारा टू कोस सी प्लस डी अपॉन टू कोस सी माइनस डी अपॉन टू। बच्चे यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज आते हैं, जैसे यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी साइन और कोस आ रहा है, साइन सी माइनस साइन डी में कोस साइन आ रहा है, अब कोस सी प्लस कोस डी आने का ध्यान रखना है यहाँ पर कोस कोस रहेगा दोनों। ठीक, अब साइन कोस सी माइनस कोस डी,
अब इसमें जो हमारा साइन साइन एंगल टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू साइन डी माइनस सी अपॉन टू, यहाँ पर कंक्लूड आते हैं इससे डी माइनस सी इधर क्या लिख देते हैं सी माइनस डी अपॉन टू, यहाँ पर मिस्टेक हो जाते हैं। या फिर इसे आप इस तरह से ले सकते हैं टू साइन माइनस का रिलेटिव है सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। तो आज हमने सीखा रेसिप्रोकल जो फॉर्मूले होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के, वो साइन सी प्लस साइन डी कोस सी प्लस कोस डी वाले फॉर्मूले यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार सही भाइयों।